हेलो एवरीवन, अभी हम पहुंच चुके हैं रामटेक, जो कि राम जी का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पे राम जी ने अपने वनवास के दौरान काफ़ी समय गुजारा। ये है मंदिर का मेन गेट, जहाँ से एंट्री करते हैं। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है मेन गेट, जो है पत्थरों का पूरा दीवार और लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है। मेरे जो पीछे देख रहे हैं, यही है रामटेक का मुख्य राम मंदिर। यहाँ पर राम मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर, सीता माता का मंदिर और भी अन्य भगवानों के मंदिर बने हुए हैं। ये आ गए हम श्री प्रभु रामचंद्र जी स्वामी मंदिर। यही है राम भगवान का मंदिर, जो कि रामगढ़ का सबसे प्रमुख मंदिर है। इनका मंदिर भी काफ़ी भव्य है, पूरे पत्थरों से निर्मित यह मंदिर काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग में बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 18वीं सदी में बनाया गया है, लेकिन 18वीं सदी में भी देखिए पत्थरों का कितने अच्छे से कारीगरी की गई है पत्थरों पे, और एक नंबर डिज़ाइन बनाई गई है। ये श्री राम जी का जो मुख्य मंदिर है, ये जो मराठा शासक थे भोसले, उनके द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। जो नागपुर राज्य के संस्थापक हैं महाराज रघुजी भोसले, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की नींव रखी गई थी, और ये पूरा मंदिर भोसले शासकों के शासनकाल में ही पूरा तरह बनाया गया है। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है रामटेक, नाम ही इसका राम भगवान के इससे है। इस रामटेक के राम मंदिर का महत्व इसीलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी जो रामपथ योजना लॉन्च हुई थी, जिसमें अयोध्या से लेके श्रीलंका तक के राम भगवान ने जहाँ जहाँ भी निवास किया था, उस चीज़ को जोड़ने का, तो यह भी उसके एक चैन के अंदर आता है, जिसमें से प्रमुख मंदिर रामटेक का यह रामगढ़ जो है मेनली यह भी एक मंदिर ही है। यह पूरा स्थान एक गढ़ यानी कि किला की तरह बनाया गया है, जो कि भोसले शासकों के द्वारा अपने शासन के लिए भी बनाया गया था, और यहीं पर राम जी का प्राचीन मंदिर भी है। ये देखिए, इसकी पूरी की पूरी संरचना किले की दीवारों की है, किलों की दीवारें हैं यहाँ पर। इसके अलावा यह ऊंचाई पे है दुश्मनों से बचने के लिए। ये जो कुंड है, ऐसा कहा जाता है कि सीता जी जब अपने वनवास के दौरान राम जी के साथ यहीं पे थे, उस समय ये इस कुंड को अपने स्नान के लिए नहाने की तरह यूज़ किया करते थे। आज भी यह कुंड है, यहाँ पर देखिए अभी भी पानी है, यहाँ पर पूरा तरह एकदम क्लीन करके रखा गया है इसको। और यह जो है मंदिर के जस्ट पास में ही है, तो ये माना जा सकता है कि इनका जो रहने का स्थान था इसके आसपास में ही था। यहीं पर पास में महर्षि अगस्त का भी आश्रम है, जो कि राम भगवान के मंदिर के पास में ही है। ये देखिए, यहाँ से जो टॉप व्यू है पूरा शहर का, यहाँ से मंदिर भी है और मंदिर के पीछे पूरा शहर दिख रहा है। नीचे में छोटे छोटे बहुत बड़ा तालाब भी है यहाँ पर, जो कि यहीं से हमको टॉप व्यू से दिख रहा है।
जो भगवान विष्णु का एक अवतार था वराह, उसी का यह मंदिर है। चलिए देख। विष्णु भगवान के अवतार वराह का यह मंदिर, यहाँ पे यह मूर्ति बनी हुई है। और ये कहा जाता है कि इसके नीचे से जो गुजर सकता है या इसके नीचे से जो बिना परेशानी के पास हो जाए, वह जीवन में कोई पाप नहीं किए हुए है। और जो यहाँ पे फंस गया, समझ लो बहुत बड़ा पापी इंसान है। और ये हम यहाँ पर पी रहे नींबू पानी। यहाँ पे काफी दुकानें लगी हुई है जिसमें आप नाश्ता या जूस या कोई भी चीज ले सकते हैं। अपन यहाँ पे नींबू पानी पी रहे हैं। चलिए, इस जगह का नाम है सिंदूर बावड़ी। बावड़ी अर्थात कुआ। यहाँ पे नीचे में देखो, आपको दिख रहा होगा कुआ टाइप का। ये सिंदूर बावड़ी काफी अच्छी अवस्था में ही है। देखिए यहाँ पे अभी पानी भी है,